मुझे बस अपना टाइम पुराना याद आ जाता है कि हाँ मैं भी था कभी, मेरी थोड़ी बहुत ही बॉल्डनेस थी, मैं उसको छुपाने के लिए फाइबर्स यूज़ करता था ज़्यादातर। सोचता हूँ कि अगर मैंने ना करवाया होता तो शायद मैं भी अभी तक एवरी डे जहाँ मुझे विक पहननी पड़ती जहाँ मेरे हेयर फॉल ज़्यादा हो जाते अब तक। मेरा नाम विनीत है, मैं कनाडा से आया हूँ। पहली बात तो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था 2022 में अप्रैल के मंथ में। आफ्टर सर्जरी मेरा कोई अभी तक हेयर फॉल मैंने नोटिस नहीं किया है। हेयर्स देखने के बाद अच्छा लगता है कि हाँ ये ट्रांसप्लांट मेरा सक्सेसफुल रहा है। एवरी मंथ व्हाट्सएप पे और ईमेल में एवरी मंथ मुझे उन्होंने मेरे रिजल्ट्स का पूछने की कोशिश की और मुझे बताया कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप कुछ विग वगैरह पहन रहे हो या कैप पहन रहे हो बट आप सोच रहे हो कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो यूजेनिक से, इनके रिजल्ट अच्छे हैं। जब मेरी सर्जरी हुई थी कोई पेन नहीं हुई थी, तो आप बेझिझक यहाँ पे आ सकते हो, ऑपरेशन करा सकते हो, तो अच्छे रिजल्ट हैं इनके, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। कॉन्फिडेंस से सर्जरी करवाना चाहिए आपको। जब मैंने फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट कराया था बट मेरे हेयर फॉल होने स्टार्ट हो गए थे फिर आफ्टर 1 ईयर, बट मुझे जब मैंने दूसरों का हेयर ट्रांसप्लांट देखा तो उनके डोनर एरिया इतने ख़राब नहीं थे जो मेरे जितना मेरा ख़राब हो गया था। बट यहाँ पे मुझे अब ऑपरेशन सर्जरी को मेरे आई थिंक 1 ईयर एंड 3 मंथ्स हो गए हैं, तो मेरा हेयर फॉल तो नहीं मैंने अभी तक देखा, जैसे नॉर्मली 1-2 हेयर्स होते होंगे तो हेयर फॉल नहीं मैंने देखा। मुझे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने जिनको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी उन्होंने मुझे पूछा था कि कहाँ से करवाया है, तो मेरा रिजल्ट अच्छा रहा। यूजेनिक्स टीम ने काफ़ी अच्छा मेरी सर्जरी की है। मेरे फ्रेंड्स को पता है जो मेरे साथ रहते हैं और जो मुझे पहली बार मिल रहा होगा उसको नहीं पता है कि ये मेरी सर्जरी हुई है, तो मेरे फ्रेंड्स को पता है, उनको भी वो उन्होंने देखा है कि हाँ अभी रिजल्ट अच्छे हैं। ट्रांसप्लांट का पता नहीं लगता है कि ट्रांसप्लांट हुआ है, आप जब तक नहीं बताओगे कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो वो नहीं बता सकता। मे बी वो डोनर एरिया से देख के बता सकता है, जैसे अगर मैंने हेयर कट डिफरेंट ढंग का करवाया तो फिर पता लग जाता है कि हाँ थोड़ा सा इसका हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ पे वो पूरा था ना ट्रांसप्लांट डोनर एरिया, जो मेरा पहला ट्रांसप्लांट हुआ था तो वो डोनर एरिया थोड़ा सा ख़राब हो गया था, वो मैंने लुधियाना से करवाया था, वो यूजेनिक से नहीं हुआ था, वो मेरी सिर्फ फ्रंट लाइन का था, वो भी हेयर ट्रांसप्लांट ऐसे ही था और उन्होंने हेयर्स मेरे ज़्यादा ले लिए थे, सिर्फ एक ही पार्ट से लिए थे ज़्यादा से। ये यहाँ पे अगर आप मेरी पुरानी फोटोज़ देखोगे उसमें पता लग जाएगा। इस सर्जरी में कोई मुझे ऐसा नहीं स्कार मिला है, मैं करवा लेता हूँ अपने हेयर छोटे यहाँ से, बट स्कार दिखता नहीं है। डू इट वंस एंड डू इट राइट।